दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे दो शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने मौत को छू भी लिया और आज एक सामान्य जिंदगी जी भी रहे हैं, और आपको इससे अच्छी प्रेरणा भी मिलेगी आखिर इन्होंने कैसे अपने बदतर होने वाली जिंदगी से खुद को बचा लिया। आइए जानते हैं। ये बात है 10 मार्च 1981 की। मॉरिस गुडमैन चेसापीक खाड़ी के आसपास एक इंजन वाली सेसना 172 प्लेन उड़ा रहे थे। गुडमैन 35 साल के थे। मॉरिस अपनी पत्नी सैंडी के साथ वर्जीनिया में 5000 वर्ग फुट के घर में रहते थे। गुडमैन अपनी प्लेन को उड़ा रहे थे और गुडमैन को डूबता हुआ सूरज पानी में दिखाई देने लगा, मानो यह दृश्य कुछ संकेत देना चाहता हो उन्हें। लेकिन ये देखकर अच्छी अनुभूति हो रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि आने वाले एक सेकंड में क्या होगा वो किसी को भी नहीं पता होता। कब खुशी एक झटके में छिन जाए वो कोई नहीं कह सकता। हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब गुडमैन अपनी प्लेन उड़ा रहे थे तभी अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उनकी इंजन ने काम करना बंद कर दिया है, और गुडमैन को अपनी विंडशील्ड के सामने बिजली की लाइनें दिखी और विमान हाई वोल्टेज तारों को चीरता हुआ पलट गया और एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जब 22 मिनट के बाद गुडमैन अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में पहुंचे तब डॉक्टर्स ने ये बताया कि गुडमैन की गर्दन टूटी हुई है और रीढ़ की हड्डी, जबड़ा और स्वर यंत्र कुचला हुआ है। उनके डायफ्राम की नसें इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थीं कि वह सांस भी नहीं ले पा रहे थे। आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई कैसे बच सकता है। गुडमैन के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। उनकी ये दशा हो चुकी थी कि वे खाना भी नहीं खा पा रहे थे। गुडमैन को अधिक संसाधनों वाले अस्पताल में देखभाल की आवश्यकता थी, इसीलिए उन्हें 40 मील दूर नॉरफॉक जनरल ले जाया गया ताकि उनका इलाज अच्छे ढंग से किया जाए। वहाँ उनके परिवार को सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया, क्योंकि गुडमैन की स्थिति बदतर हो चुकी थी। वो ऐसा प्रतीत हो रहे थे कि वो अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाएंगे। डॉक्टर्स का कहना था कि अब इनको कोई बचा नहीं सकता है, और कोई बचा सकता है तो वो केवल है चमत्कार। हालांकि डॉक्टर्स ने अपने काम कर दिए थे और उनके शरीर में काफी स्टिचेस लगाए गए, लेकिन ये बात तो तय थी, या तो वो नहीं बचेंगे या फिर संभावना ये भी थी कि अगर वो बच भी जाते हैं तो उनके कानों के नीचे वाले अंग काम नहीं करेंगे। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है और उनके परिवार एकदम से टूट चुके थे, लेकिन गुडमैन के जीने की इच्छा और चाहत ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि आज तक लोगों को पता नहीं चल पाया है कि ये संभव कैसे हो पाया था। ये कुछ नहीं था, दरअसल ये चमत्कार ही था, क्योंकि कुछ दिनों के बाद उन्होंने चलना, बोलना, खाना पीना सभी चीजें करनी शुरू कर दी थी। तब से इन्हें द मिरेकल मैन भी कहा जाता है, यानी कि एक चमत्कारी आदमी। दूसरी कहानी है अपने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की। आइए जानते हैं कि आखिर इनके साथ क्या हुआ था जिससे ये बाल बाल बचे थे और आज वो इतने फिट हो चुके हैं कि अब वो आसानी से क्रिकेट खेल सकते हैं। दरअसल ये बात है 30 दिसंबर 2022 की, जब ऋषभ पंत अपनी माँ को सरप्राइज करने अपने मर्सिडीज से रात को जा रहे थे, और उस वक्त काफी कोहरा था जिससे गाड़ी चलाने में ऋषभ पंत को दिक्कतें आ रही थी। रात का वक्त होने के चलते उनकी थोड़ी आंखें लग गई थी और इसी के चलते गाड़ी डिवाइडर से तेजी से टकरा गई। दरअसल ऋषभ पंत दिल्ली से रूड़की जा रहे थे, तभी उनकी मर्सिडीज डिवाइडर से टकरा गई थी और गाड़ी के पड़खच्चे उड़ गए थे। गाड़ी ने कई बार पलटी मारी, लेकिन उसके बाद भी ऋषभ पंत की जान बच गई। ये बहुत ही बड़ा चमत्कार था, क्योंकि इतनी बार किसी भी गाड़ी के पलटी खाने के बाद उस गाड़ी में मौजूद कोई इंसान बच जाए इसके बहुत ही कम चांसेस होते हैं। लेकिन ऋषभ पंत के जीने की चाह ने इनको एक नई जिंदगी दी है। इसमें एक ही कहावत याद आती है, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।